विधानसभा से अंजू देवी, जिसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अंजू के पिता लोगों के आगे फरियाद लगा रहे हैं कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो अपनी किडनी अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। और अब अंजू के पिता पालमपुर के विधायक आशीष पटेल के पास मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी। हालांकि विधायक के ध्यान में ये बात पहले से ही है। सीपीएस आशीष पटेल ने जहां अंजू के पिता को पूर्ण विश्वास दिलवाया है कि सरकार की तरफ से जितना भी संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। अपनी निजी जो चीजें हैं उससे सुभाष जी की मदद की है, और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन आगे भी अब जरूरत ये पड़ी है कि जहां इनकी बच्ची जो कि मुझे लगता है 16-17 साल की है, अप्रॉक्सीमेटली इतने साल की है, 22-23 साल की बच्ची है, और उनका घर से ये बिलोंग करते हैं, सुभाष जी की बेटी है, और इसका किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इसको कहा गया है, जिसमें बहुत सारा खर्चा आना है इनका, तो इसके लिए हम सब मदद करेंगे, और सरकार भी डेफिनेटली, सरकार से भी हम लोग इनके लिए मदद ज़रूर कराऊँगा मैं, और यही आशा करता हूँ कि बाकी सब भी, हम सब मिलजुल कर इनकी सहायता करें ताकि वो बच्ची की जीवन बच सके। और ऐसा मुझे बताया गया है कि सुभाष जी खुद अपनी किडनी अपनी बेटी को देना चाह रहे हैं, और शायद इनका फैमिली में वो किडनी का हो गया है, तो इस करके मैं यही चाहूँगा कि ये परिवार स्वस्थ रहे।